दिल्ली रोड पर बसी नगर पंचायत पागबड़ा इन दिनों जाम की गिरफ्त में जाती दिखाई दे रही है। नगर पंचायत पागबड़ा में मुख्य मार्गों में इन दिनों जाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पागबड़ा का कैलसा रोड हो या फिर नेशनल हाईवे या फिर डिंगरपुर अंडरपास, हर तरफ जाम ही जाम दिखाई देता है। ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी के चलते पागबड़ा में जाम की समस्या को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। रोड पर खड़े बेतरतीब वाहन जाम की समस्या को और बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं मेन मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था ना होने के चलते लोगों के वाहन सड़क पर खड़े होने से रोड पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी दिखाई दे रही हैं। क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि अगर आपको सामान की खरीदारी करने पागबड़ा आना है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल कर आने होंगे, क्योंकि अगर आप जाम के बीच पागबड़ा पहुंचे तो फिर आप आसानी से जाम से मुक्ति नहीं मिलने वाली। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा ये नजारा पागबड़ा के कैलसा रोड का है, जहां पर मार्केट बनाने के साथ साथ मार्केट स्वामियों द्वारा पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई। लोग अपना वाहन सड़क पर खड़ा करके अपनी खरीदारी कर रहे हैं और इन वाहनों के चलते रोड पर जाम का सबब लगातार बन रहा है। बुधवार को पागबड़ा के कैलसा रोड पर जाम का नजारा अलग ही देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में लोग परेशान दिखाई दिए और रोड पर लगे जाम से वाहन लगातार फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी और स्थानीय पुलिस भी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, जबकि आसपास के युवा ही जाम को खुलवाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे संवाददाता ने जब जाम खुलवा रहे स्थानीय युवक से बात की तो उनके द्वारा बताया गया यहाँ पे अचानक से जाम लग गया है तो गाड़ियाँ काफी। अच्छा, पुलिस का कोई जवान दिखाई दिया यहाँ पे? नहीं, कोई जवान नहीं। क्या होना चाहिए यहाँ? पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम 1 या 2 कॉन्स्टेबल तो होने चाहिए। क्या समस्या हो रही लोगों को? गर्मी में बेहाल है और निकलना दुहार हो रहा है। गाड़ियाँ बड़ी भी है, छोटी गाड़ी भी है, लोग जाम में परेशान हो रहे हैं।